खन्ना के गांव ईसुड़ू में शहीद करनैल सिंह की बरसी पर अकाली दल की तरफ से कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान अकाली दल के नेता प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, भारत भूषण आशु सहित कई लीडरशिप मौजूद रही। इस दौरान श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेताओं द्वारा एक दूसरे पर शब्दी प्रहार भी जारी रहा। इस मौके पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह अपने घर नहीं जाते तो यहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने कहां से आएंगे। पहला तो आज आजादी के महान दिन ते मैं देशवासियों नूं पंजाब वासियों नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना और ईसड़ू की धरती जिहड़ी शहीद करनैल सिंह ईसड़ू की शहीद भुपिंदर सिंह की धरती आ उस उन्होंने महान शहीदों भी सत्कार भेट करदा जिन्हों ने देश की आज़ादी लई पवित्र खून डुल के देश को आज़ाद कराया। और अज हर साल की तरह ये शहीदी समागम के श्रोमणी अकाली दल वालों शहीदी कानफ्रेंस की गई है और श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप खास तौर पर इस इलाके के जेडे साडे जांबाज जरनैल ने सर रणजीत सिंह तलवंडी उन्हां दी सरप्रस्ती हेठ ये कानफ्रेंस हुई आ हर साल की तरह असी सारे उहदे च हाजरी भरी। भगवंत मान आया सी बोल के गया पूरे जब भी शहीदी कानफ्रेंस होंदी उहदे मुख्यमंत्री प्रॉपर रोज हरेक बार आउंदे सी पर इस बार कि तीन साल लगातार तो ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े नहीं पुज्जे हैगे वी उहनां नूं रुस्सा तो वेली की कहना सी। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने इत्थे ईसड़ू दा की आउणा सी उह तां अपने घरे नहीं जांदे उह तां अपने पटियाले नहीं कदे गए ते ओह जिन्नी लापरवाही गैर संजीदगी नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे ने शायद ही पंजाब दे विच की मेरा ख्याल देश च किसी सूबे च इन्ना गैर संजीदगी वाला मुख्यमंत्री ना होवे जिहदे घर दे सामने औरतां दे रेप होए होण जिहदे घर दे सामने बच्चे उठा के लै गए होण जिहदे जिहदी घरवाली ना ठग ठगी मार के लै गए होण ते मुख्यमंत्री साहब बोले ना होण ते मेरा ख्याल आ भी इहदे तो फिर तां जिवें चल राणी तेरा रब राखा लिखिया हुंदा गड्डियां ते ओ हाल आ कैप्टन साहब दी सरकार दा। करनैल सिंह ईसड़ू की बरसी पर श्रद्धा के फूल भेंट करने आए भगवंत मान भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर शब्दी प्रहार करने से अछूते ना रहे। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीदों की बरसियों पर तो नहीं जाते परंतु मैडम अरुसा आलम का जन्मदिन मनाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा आइए आप भी सुनिए। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਏਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੁੰਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਸਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇਹ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਢੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਮੋਢੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ TV 'ਤੇ ਐਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1000 ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, 1000 ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਓ। ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ। वही महान शहीद करनैल सिंह की शहादत को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 4 घंटे लेट पहुंचे कांग्रेस के खाद्य आपूर्ति मंत्री पंजाब भारत भूषण आशु ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आइए आपको भी सुनाते हैं।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਚੀਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। बहुत जल्द मिलन जा रही हैं। जदों सरकार बनी सी जिद्दां दे वित्ती हालात सीगे सारिआं नूं पता है, जिहड़ा पिछले 2.5 साल दे विच खास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन दे फील्ड दे विच सरकार दी उपलब्धि रही है वह वाकई देखण योग है। अज कहा जाता सीगा भी सब तो ज़्यादा चोर बाजारी है इधर है, पिछले 1.25 साल के दौरान 3 सीज़न लंघ चुके हैं, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है, बिल्कुल एक दाणा भी चोरी नहीं किया जा सकता। सही बेनीफिशरी हमेशा सरकार देने तत्पर रहती है। जितों तक अनाउंसमेंटा का सवाल सीगा, साड़ी फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री को पई है, वो चाह पत्ती ते खंड असी देनी है, वो मेरा ख्याल जल्दी फैसला हो जाएगा। जिस मौके पर सानू साडे वित्तीय हालात बेहतर होंदे जा रहे हैं, सरकार अपना हर वादा पूरा करन जा रही है। ये साल पहला साल सवारण दा, नशियां नू पजाउण दा, लॉ एंड आर्डर नू कंट्रोल करन दा, ये हुण अगला टाइम सारा डिवेलपमेंट दा। जिहड़ा मनप्रीत होना दी और कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दी मेहनत करके अज फाइनैंशियल हालात जिहड़े अच्छे होए आ, उहदा रिजल्ट आने वाले टाइम च तुहानू देखण नू मिलेगा। बड़ी काली बड़ा मन भाग है साडा, जिहड़ा सोशल फैब्रिक है, जिहड़ा कल्चर है, ओनू मेरा ख्याल नहीं पैना चाहिए। खन्ना से प्रभजोत भट्टी की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।